चलिए आपको सीधे लिए चलते भोपाल, जहां पर प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा प्रेस को संबोधित कर रहे हैं। के क्षेत्र में सुधार हो रहा है और राहत भरी खबरें पूरे प्रदेश से आ रही हैं। जैसा मैंने 3 दिन पहले कहा था कि अब 4 डिजिट समाप्त हो गई है और हम 3 डिजिट पे आ गए हैं। 3 डिजिट में भी हम प्रतिदिन सुधार कर रहे हैं और घट रहे हैं। आज कुल 798 नए प्रकरण पूरे मध्य प्रदेश से कोरोना के मिले, जबकि ठीक होकर अपने अपने घरों को जाने वाले जो पेशेंट हैं वो 2045 है। अगर हम संक्रमण देखें, संक्रमण दर देखें, पॉजिटिविटी रेट देखें, तो यह अभी 1% से नीचे आ गई है। आज 99 थी, वो 1% से कम थी। और वहीं अगर हम रिकवरी रेट देखें, सुधार का आंकड़ा अपना, तो रिकवरी रेट हमारी बढ़कर 97.3 हो गई है, जो कि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आप सबको ये जान के भी प्रसन्नता होगी कि मध्य प्रदेश के सभी जिले पूरे के पूरे 54.3% से कम हो गए, इंक्लूडिंग इंदौर और भोपाल। मतलब 5% की कह रहे थे हम, 3 से कम हो गए। छतरपुर, झाबुआ और अलीराजपुर, ये 3 जिले ऐसे हैं जहां कल 0% रहा, कोई कोरोना का पेशेंट यहां पर नहीं मिला। आप लोग पूछना चाहेंगे सर, विदेश के बयान के बाद एक बार फिर कांग्रेस में विश्वासी से मुलाकात हुई है सर, लगातार नेताओं की मुलाकात आप कर रही है। अब लॉकडाउन खुला है आप कह रहे हो, तो स्वाभाविक रूप से अब निकलना शुरू हुआ है सबका। मैं उनके यहाँ जाता हूँ, वो हमारे नेता हैं, अध्यक्ष हैं, वो मेरे यहाँ आए। हमारी ये सहज है, इसको पता नहीं क्यों इतना उससे ले लेते हैं अपन लोग। कमलनाथ के ट्विटर के सुर बेसुरे हो गए हैं और वो उनके अपनों को भी पसंद नहीं आ रहे हैं। अब अजय सिंह जी ने उन्हें संयम बरतने की सलाह दी है। अभी तक मैं कहता था कि भाई आप जो मुद्दे उठा रहे हो ट्विटर पर ही राजनीति कर रहे हो, उन्होंने कहा है कि इनके बोलने से, ट्वीट करने से कांग्रेस को नुकसान होता है। उनका बोलना उन्होंने बिंद का अपमान बताया है, ये अच्छा नहीं है। उनकी अपनी है, अभी तक हम पे इल्जाम लगा रहे थे कि हमारे कारण से सरकार गिर गई। अब बताओ, माननीय कमलनाथ जी, अजय सिंह जी कह रहे हैं कि आपकी वजह से सरकार गिरी है, आप कांग्रेस के लोग आपस में बैठ के तय क्यों नहीं कर लेते हो कि किसकी वजह से सरकार गिरी है? आप जनता के बीच नहीं जा रहे कमलनाथ जी, कोई बात नहीं है, अब कांग्रेसियों के बीच तो चले जाओ, इन लोगों को तो मना लो कम से कम। सर, पूर्व मंत्री हैं सर कमलेश्वर पटेल, उन्होंने एक ट्वीट किया, उसमें ये कहा है कि हम गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का डर समझते हैं, मुख्यमंत्री नहीं बन पा रहे हैं, इसलिए कमलनाथ की पर लगातार अटैक करते हैं और उनकी नीति रखते हैं। और कोई कोरोना की जो तीसरी लहर आ रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि बच्चों के लिए इंतजाम नहीं, सरकार क्या इस दिशा में करने जा रही है? मुझे नहीं पता किसने ये कह दिया और उसने इंतजाम कहां से देख ली। और मैं उनसे फिर कहूंगा कि ऐसी बातें नहीं करें प्रारंभ से भ्रम फैलाने की। भाई वो जानकारी ले लें पहले अपने स्तर पर। हमारे पास में सारे इंतजाम हैं, बच्चों के भी हैं, जवानों के भी हैं, बुजुर्गों के भी हैं।
ऐसा भ्रम न फैलाए कोई, और अगर कोई फैलाएगा तो हम गंभीरता से लेंगे। हम एक महामारी से अभी गुजरे हैं, हमने फेस किया है इसी तरह के भ्रम के कारण से। आज भी वैक्सीन में हम फेस कर रहे हैं इस तरह की चीजें। लोगों का भ्रम निकालने में काफी एनर्जी जाती है, नपुंसक हो जाएंगे, सुअर की चर्बी है, भाजपा की वैक्सीन है, और ये फिर बच्चों में अगर कोई फैला रहा है सख्ती से पेश आएंगे।